हेलो दोस्तों, कैसा है आप लोग। दोस्तों, आज हम बनाएगा फूल गोभी से यानी कि कॉलीफ्लावर से बनने वाला बहुत ही बढ़िया नाश्ता। और ये जो नाश्ता है इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे बढ़िया बात है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक बूंद तेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए 1.5 कप सूजी ले लेना। आप देख सकता है कि हमने रवा लिया है, बारीक वाला सूजी लिया है। आप बारीक मोटा कोई सा भी सूजी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद ताज़ा दही लेना है 3/4 कप। 1.5 कप सूजी के लिए हम आपको मेजरमेंट दे रहा है। 3/4 कप दही डालकर 3/4 कप ही पानी डाल देना। जितना दही है उतना ही पानी डालना और अच्छे से मिला देना। बैटर को अच्छे से मिलाना है ताकि सूजी में कोई भी लंप ना हो, कोई भी गुठली ना हो। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए। अब इसे ढककर 20 मिनट रख देना। अब ये लिया है हमने 200 ग्राम फूल गोभी। कॉलीफ्लावर है, कद्दूकस किया गया। आप मैनुअल चॉपर में भी चॉप कर सकता है। साथ में ताज़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची भी चॉप कर लेना, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर चटपटा बनाने के लिए, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाना है। नमक स्वाद के हिसाब से डाल देना। आप चाहे तो नींबू रस भी डाल सकता है। और सबसे चटपटा और बढ़िया टेस्ट देने के लिए आधा चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्ची यानी कि चिली फ्लेक्स डालकर मिलाना। 20 मिनट हो गए हैं, चलिए सूजी को चेक कर लेता है। तो देखिए, सूजी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, काफ़ी अच्छे से पानी इसने पी लिया है। अभी 3/4 कप पानी ले लेना और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को अच्छे से परफेक्ट होने तक मिलाना। तो ये जो बैटर है ना, ये कैसा होना चाहिए हम आपको अभी दिखाने वाला है। तो बैटर में ना 3/4 कप पानी लग जाएगी। उसके बाद नमक डाल देना स्वाद के हिसाब से और कोई केक टीन, केक मोल्ड या फिर कोई थाली को घी लगा कर तैयार कर लेना। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो बैटर है अच्छे से रेडी हो गई है। नमक हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो बैटर है ना, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना। बराबर बराबर मात्रा में 2 अलग बर्तन में निकाल लेना। अब पहले बर्तन में आधा चम्मच इनो या फिर आधा चम्मच मीठा सोडा डाल देना। अगर आप इनो डालता है तो ऊपर से 1 चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिलाना। तब तक मिलाना जब तक कि इनो अच्छे से इसमें मिल ना जाए। और अगर आप मीठा सोडा डालता है तो उसको पानी में खोलकर डालना। अगर आप ऊपर से मीठा सोडा डालेगा ना तो साबुन जैसा टेस्ट इसका आ जाएगा, इसलिए पानी में घोलकर ही डालना। उसके बाद जो केक टीन या केक मोल्ड या फिर थाली जो भी आप लेता है उसमें इस बैटर को पोर कर देना। आप ध्यान रखें कि जो थाली या केक टीन आप लेता है ना, या तो उसमें आप बटर पेपर लगा लें या फिर घी या तेल अच्छे से लगाना। बहुत अच्छे से ऊपर तक लगाना है दोस्तों। उसके बाद बैटर पोर कर देना और हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे स्टीम करना। आप किसी इडली कुकर में भी इसे स्टीम कर सकता है। 5 मिनट के बाद चाकू से या टूथपिक से चेक करना। अगर टूथपिक या चाकू क्लीन आए, इट मीन्स ये अच्छे से स्टीम हो गई है। उसके बाद ये जो गोभी है ना, जो हमने तैयार किया है, सारा गोभी इस नाश्ते के ऊपर अच्छे से फैला देना। बस ये ध्यान रखना कि इवनली फैलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से कम है और कहीं से ज़्यादा है। और इस टाइम पर फ्लेम बिल्कुल लो रखना दोस्तों, जब आप इसे फैला रहे हैं। गोभी को अच्छे से फैलाने के बाद बाकी का जो बचा हुआ बैटर था ना, उसमें भी आधा चम्मच इनो मिलाना और थोड़ा सा पानी डालना। फिर जल्दी जल्दी मिक्स कर देना। सारा बैटर अच्छे से मिक्स करने के बाद इस गोभी के ऊपर पोर कर देना। और ये भी इवनली पोर करना है, ऐसा नहीं करना है कि कहीं पर बैटर है और कहीं पर नहीं है। बहुत अच्छे से इसे पोर कर देना और हाई फ्लेम पर 5 मिनट स्टीम करना। 5 मिनट ही स्टीम करना है हाई फ्लेम पर। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगती इसे बनाने में। और फिर नाइफ से इसे चेक कर लेना। इसको सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है और उसके बाद गैस बंद कर देना। देखिए कितना स्पॉन्जी जालीदार लग रहा है, अभी गैस बंद कर देना। अब यहाँ पर इस नाश्ते को बिल्कुल ठंडा होने देना। थोड़ा सा भी गर्म अगर ये हुआ तो डिमोल्ड करते हुए ये टूट सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसका ठंडा होना अनिवार्य है। उसके बाद चाकू से इसके साइड के एजेस निकाल लेना और देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है। बटर पेपर है घर में तो लगा लेना जैसे हमने लगाया है, फिर आसानी से रिमूव कर लेना। अगर बटर पेपर नहीं है तो घी या तेल बहुत अच्छे से लगाना, फिर भी आसानी से निकल जाता है। जाली आप देख ही सकता है कि कितना बढ़िया इसमें पड़ा है। बस आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कट कर लेना, जैसा भी चाहे शेप में आप इसे कट कर सकता है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही सॉफ्ट ये बना है।
तो हमने दोस्तों सारा पीसेस इस प्रकार से कट किया है, तो आपको जैसा चाहिए इसे कट करना। ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाते हैं। आप एक बार बनाकर देखना, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये जो स्टफिंग इसके अंदर हमने भरा है, इसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारा गोभी का चटपटा टेस्टी नाश्ता बनकर एकदम तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप एक बार इसे अपने घर में ज़रूर बनाना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने के बाद आप इसे नारियल की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करना, या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ये लगता है, बनाने में बहुत ही आसान है जैसा कि आपने देखा, और खाने में बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारा रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और एक बार फूल गोभी का नाश्ता इस प्रकार से ज़रूर बनाकर देखना, आपको पसंद आएगा। दोस्तों एक और तरीका है इसे सर्व करने का। जब आप इसे सर्व करता है तो ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देना, उससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और लुक में भी नाश्ता बहुत बढ़िया लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कुछ पीसेस पे इसे डाला है, तो बिल्कुल ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सरल रेसिपी है, और घर में रखी चीज़ों के साथ बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और अपने घर में फूल गोभी का नाश्ता ज़रूर बना कर देखना, आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है ना दोस्तों, तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद देखने के लिए।